हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और न्यू वीडियो। मैं दूसरा पार्ट देखिए पूजा का लेके आ गई हूँ और मैं अब यहीं से पूजा का इंड मतलब उस वाली वीडियो का मैं इंड की थी और फिर से यहीं से शुरू करूँगी। तो हवन के बाद अब होगी आरती फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पे जो भी आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए अब यहाँ हवन होगा और मतलब कि अब उसके बाद आरती के बाद सब लोग नाश्ता पानी करेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर अपने अपने घरों पर जाएँगे। तो चलिए आरती पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर सबसे मिलवाते हैं हम आपको। देखिए जो है आंटी लोग हैं कॉलोनी की और भाभी आई हैं। कुछ ही लोगों को मैं बुलवाई थी, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाई थी फ्रेंड्स। और ये आप लोगों को हेलो कर रही हैं और नाश्ता पानी करके अभी लोग जाएंगी, तो अब चलेंगे नीचे, तो फिर खाना पीना की तैयारी करेंगे, सबको खिलाए पिलाएंगे। देखिए हमारे बगल में और सब भाभी लोग हैं, तो अभी वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा मत, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो देखिए पीछे जो है मोबाइल लेने के मस्त है एकदम उन्नति, और ये है मतलब दोनों पीछे लड़कियां हैं, रेंट पे रहती हैं, इधर अम्मा बैठी हैं, उधर पिता जी। तो देखिए गाइस, ये ना ये उस दिन बच्चे आए थे नमन के बर्थडे पे, उनकी मम्मी हैं और ये हमारे ही कॉलोनी में रहती हैं। हेलो कर रही हैं। हेलो 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 आए नजदीक आ जाइए, इनकी आवाज़ इतनी धीरे है ना कि सुनाई पहले जब बात करती थी ना फोन पे तो मैं बोलती थी कि यार आपकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है, हम लोगों की आवाज़ तेज है, बुलंद आवाज़ है मेरी, मुझे तो स्पीकर की भी जरूरत नहीं पड़ती है वीडियो में। लेकिन अगर इनको अगर ब्लॉग बनाना पड़े या कोई भी वीडियो बनानी पड़े ना तो फिर इनको तो स्पीकर की जरूरत पड़ेगी, माइक की जरूरत पड़ेगी, बिना माइक के बोली नहीं पाएगी। एक हमारी फ्रेंड है हाउस वाइफ संगीता, उनकी तरह ये है, जैसे वो बहुत धीरे धीरे बोलती है, उन्हीं का कंडीशन भी है, बोलिए बोलना है। हाँ, ये मेरी दोस्त हैं, बहुत अच्छी हैं ये, और इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और हम लोग एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं ना, काफी दिन से ना, अच्छे हम लोग छोटे छोटे थे, 5-6 साल मतलब बहुत दिन से रहे, लेकिन ज्यादा दोस्ती हम लोगों को 5-6 साल से हुई है। जब से रह रहे हैं हमको लग रहा है बच्चे स्कूल जाना शुरू किए हैं, तो इसी कॉलोनी में रहती हैं फ्रेंड्स और बहुत ही अच्छी दोस्त भी हमारी। पीछे आ जाओ उन्नति, आ जाओ देखें हमारे यहाँ जो रहती है प्रीति, तुम भी आ जाओ, हमारे यहाँ जो रेंट पे रहती है ना लड़कियाँ ऊपर, ये है उन्नति, और देखिए आप किचन भी हेल्प कर रही है, कढ़ाई लेके जा रही थी दिखा तो उधर हट गई, और ये भी है, ये दोनों बच्चियाँ हैं और ये दोनों ही मेरे हाथों में मेहंदी लगाई थी, ये देखिए कल रात में अस्त्यागी दीदी आप पूछ रही थी ना कि मेहंदी कौन लगाया और कैसा मेहंदी लगा के सज लो, तो मैं सज ली थी आज मेहंदी लगा के, देख ली ये दोनों बच्चियाँ ही लगाई थी। तो चलिए फ्रेंड आ रहे हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना हमारे पंडित जी हैं और ये हमारे यहाँ आज से नहीं 19 साल हो गए ना पूजा को, 20वां साल है इस बार, नहीं 19 साल हुआ है, अच्छा 20वां साल हो गया इस साल, और 20 साल से लगातार जान लीजिए हमारे यहाँ हर साल सावन में ये रुद्राभिषेक कराते हैं। तो ये है हमारे पंडित जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भाई इनके परिवार से, उपाध्याय जी के परिवार से हमारा बहुत लगाव है, आज 20 साल से आए हैं और बहुत अच्छा संबंध है हमारा इस घर से, और हमारा मकान ग्राम बेहड़ा जिला जौनपुर, मैं डॉक्टर कुमारी शंकर शुक्ल BHU से PhD करके मैं इस कर्मकांड की लाइन में हूँ और पूर्ण तन मन से अपना कार्य करते हैं, बड़े भक्तिभाव से उपाध्याय जी भी पूजन कराते हैं और शिवलिंग बना करके पार्थिव शिवलिंग बना करके और भगवान की विधिवत आराधना करते हैं, और इनकी भक्ति बड़ी प्रगाढ़ है भगवान के चरणों में। श्रावण आने के एक महीने पहले जो है और इनका रुद्राभिषेक का डेट पहले से ही फिक्स हो जाता है, और कहते हैं पंडित जी हमारा डेट आप फिक्स कर लीजिए ताकि हम तन मन से भगवान की आराधना कर सके। बहुत अच्छा प्रचार है, बहुत मन से तन मन से भगवान की आराधना करते हैं, और भगवान से मेरी ही प्रार्थना रहेगी कि इस परिवार पर महादेव की कृपा सदैव बरसती रहे, भगवान यहाँ का मंगल करते रहे। और जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं
और सबके प्रति हमारी यही सबके प्रति हमारा ये भाव रहेगा कि भगवान शंकर जी सब विवर्ष का सबका कल्याण करें, सबके जो है हृदय में अपनी भक्ति प्रदान करें, सबका परिवार मंगलमय रहे, कृपा की वर्षा होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हमारे सच में जैसे लगता है ना कि एक घर की फैमिली के जैसे हो गए हैं, इतने सालों से आते जाते रहते हैं ना, तो बहुत लगाव सा हो गया है और आते हैं तो सच में मतलब इनकी पूजा सुन के ना गाइस बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और आप लोग भी बताइएगा पंडित जी बात करते भाई, हम चाहेंगे कि सब लोग प्रसन्न रहे, खुश रहे, जब भी जो है उपाध्याय जी का फोन आता है तुरंत हम तुरंत रिसीव करते हैं, बात होती है, कोई भी कार्य, इतना विश्वास है इस परिवार का हमारे ऊपर कि कोई भी कार्य बिना हमसे पूछे नहीं करते हैं। और इस विश्वास के साथ, बिना विश्वास की सिद्धि मिलती नहीं है, भगवान के चरणों में, ब्राह्मण के चरणों में इनका बहुत ही अनुराग है और वह अनुराग भगवान सफल भी करते हैं, अपूर्ण भाव से पूजा भी करते हैं। तो यही अनुराग जो है बना रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यम नमः श्रीनिवास श्रेयाकांत यात्रायण, जैसे स्वागत करना चाहिए इंसान का भी स्वागत उसी भाव से करते हैं और उससे कहीं अच्छे भाव से भगवान का स्वागत करते हैं, बड़े प्रेम से प्रभु को बुलाते हैं, स्वसम्मान उनको विदा करते हैं, तो भगवान की कृपा तो उसमें बनी रहेगी क्योंकि इनका अनुराग ऐसा है। यह अनुराग बना रहे, हम यही भगवान से प्रार्थना करें। तो चलिए पंडित जी आप इतना बोले सच में बहुत अच्छा लगा, और हमारे एक दो व्यूवर्स ऐसे थे जो आज बोले थे कि पंडित जी को लाना ब्लॉग में, तो मैं सोची कि चलो पंडित जी को लाती हूँ। और हम लोग ना फ्रेंड्स एक मतलब कि एक महीने पहले ही बुक कर लेते हैं इनको कि कहीं और न जाना हो, क्योंकि सावन महीना ऐसा होता है ना कि पंडित लोग एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार रुद्राभिषेक करवाने लगते हैं, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ अच्छा शुभ दिन हो जिस दिन हम लोग पंडित जी को पहले से बोल देते हैं कि आपको करना है पूजा, और आते हैं पूरे दिन रहते हैं और बड़े जान लीजिए अच्छे से, और एकदम मतलब कि क्या बताएं, बहुत ही अच्छा लगता है इनकी पूजा, जो भी देखा है ना सबको बहुत पसंद आया है फ्रेंड्स। तो चलिए और पंडित जी आप खाना खाए प्लीज़ बता दीजिए, सही बताइएगा लहसुन प्याज के बिना सब्जी बनाए थे कैसे बना? अच्छा बना था, लहसुन प्याज की सब्जी पता ही नहीं लग रहा था इसमें लहसुन प्याज पड़ा है कि नहीं है। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रसाद है, हर बार यार, यही बार का नहीं, हम तो हर बार आते हैं रुद्राभिषेक के बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, वहाँ प्रसाद बहुत बढ़िया प्रसाद बनता है। चलिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, शिव जी की कृपा रहती है, अब आशीर्वाद दीजिए आप। चलिए बहुत बहुत मंगल हो, कल्याण। तो अब फ्रेंड्स रात में सारा काम ख़त्म करने बाद अब हम लोग खाना खिलाने की तैयारियां कर रहे हैं, तो यहाँ चाची और जो लड़की ऊपर रहती है वो लोग पूड़ियाँ बना रही हैं, मैं सबको खाना खिला दूँ क्योंकि सब लोगों को बहुत लेट हो रहा है, थकान भी हुई है सबका, तो ये लोग बनाएंगी और मैं सबको एक साथ बैठा के खिला दूँगी, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्योंकि पूरे दिन की थकान हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और क्या बोलते हैं, अब जैसे खाना पीना खा के ना फ्री हो गए हैं, किचन उचन की भी सफाई कर लिया है, तो बच गए हैं 10:30 इस टाइम 10:30, और चाचा चाची और आयुष थे और मतलब कि हम लोग थे और ऊपर एक लड़की रेंट पे रहती है तो वो भी थी, और इस टाइम कोई रेंट पे है नहीं, नीचे वाले सब चले गए हैं गाँव अपने, तो कोई था नहीं, तो अगर वो लोग रहते तो लोग भी खाते पीते, लेकिन जान लीजिए इतनी थकान हो गई है ना, दो दिन से इतना थका दौड़ हो रहा है कि पूछिए मत, आज पूरा दिन इतना मतलब बड़ा पूजा होता है ये, और सर काफ़ी लोग आए थे तो अच्छा लगा, तो जो भी कॉलोनी के लोग आए थे भाभी लोग, तो बस हल्का फुल्का पानी चाय नाश्ता करा के भेजवा दिए थे, भेज दिए थे, और उसके बाद क्योंकि जानते हैं अचानक से प्रोग्राम होना बुलाने का, तभी ठीक थी नहीं मेरा तो बुलाने के कंडीशन में नहीं थे, लेकिन फिर मन कर गया कि चलो बुला लेते हैं, तो बुलाए तो कुछ लोग थे तो आई थी, और काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग वीडियो भी देखे ही होंगे, और पंडित जी भी काफ़ी खुश रहते हैं हमारे यहाँ से, तो हम लोगों को भी उनकी पूजा बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ना 19-20 साल से हम लोग उन्हीं से करवा रहे हैं, और फिर भी आज तक भगवान की कृपा ऐसी हम लोगों की बनी है कि कभी भी रुद्राभिषेक का मतलब कि अब्सेंट नहीं हुआ है, हर साल हम लोग चाहे जिस कंडीशन में रहें, चाहे बीमार भी रहें, चाहे कुछ भी रहें, लेकिन करवाते ही हैं, और आज तो जान लीजिए ऐसा कंडीशन मेरा हुआ था ना कि सच में मैं एकदम परेशान हो गई थी सुबह कि लग रहा है कि पूजा नहीं हो पाएगा क्या, लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि बस पूजा हो गया और सब चीज़ टाइम टू टाइम, और मैं आज मैं सोच रही थी ना कि आज मैं लेट फ्री होंगी क्योंकि मतलब कि खाना पीना काफ़ी लेट शुरू की थी बनाने के लिए, तो सब कुछ कर ली थी और सिंपल खाना बना था,
छोले चावल पूरी और सेवई यही बनाए थे। तो फिर बाद में हम परोसने लगे तो फिर आप लोग देखे ही होंगे, और चाची और जो ऊपर लड़की रहती है वो लोग पूड़ियाँ बना ली, तो हम परोस के सबको साथ में खिला दिए, साथ बैठवा के, तो जल्दी हो गया। तो ये है फ्रेंड्स हमारी लाइफ, और आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है तो मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी अच्छे से टॉपिक पे, तब तक के लिए फ्रेंड्स इजाज़त चाहती हूँ। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय।